तो आजकल YouTube इतने मस्त मस्त अपडेट ला रहा है ना, जिसमें कुछ वो फीचर भी लॉन्च कर रहा है और कुछ ऐसे अपडेट यूज कर रहा है जिसमें नए क्रिएटर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि YouTube की तरफ से एक ऐसी अपडेट आई है, यानी कि एक ऐसा फीचर लॉन्च किया गया है यूट्यूब की तरफ से, जिसकी मदद से आप अपनी एक वीडियो के अंदर 3 थंबनेल लगा सकते हो और उस 3 थंबनेल से गाइस अपनी वीडियो को बूस्ट कर सकते हो। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को गाइस आप जाके देख सकते हो। बट अभी मैं बात करूंगा आज की अपडेट की। जो आज जो अपडेट आई है ना, ये बहुत ज़्यादा कमाल की अपडेट आई है गाइस। ये अपडेट उन क्रिएटर के लिए है जिनको कॉपीराइट क्लेम की टेंशन रहती थी। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब आपकी वीडियो पे अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कॉपीराइट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कॉपीराइट क्लेम क्या है गाइस? देखो, कॉपीराइट क्लेम हमारे अगर वीडियो पे आ जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आपकी मान लो कोई वीडियो है, ठीक है, आपकी उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो आपकी जो वीडियो है ना, उस पे एक धब्बा लग जाता है कॉपीराइट क्लेम का। साफ साफ लिख कर आता है कॉपीराइट क्लेम, तो आप लोग घबरा जाते हो। आप लोग ये सोचते हो क्या मेरा चैनल अब मोनेटाइज होगा, मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है? तो पहले मैं आपका ये शक दूर कर देता हूं। अगर आपके चैनल पर 1 कॉपीराइट 2 कॉपीराइट 3 कॉपीराइट क्लेम अगर आ भी जाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, कॉपीराइट क्लेम से प्रॉब्लम क्या जाती थी, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाता था, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद क्या करते हैं, जब वो वीडियो को अपलोड करते हैं, म्यूजिक किसी का भी यूज कर लेते हैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में। अगर किसी का मान लो गाना यूज कर लिया अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में, तो क्या होता ना, जब उनकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता था, तो क्या होता, अब वो चैनल मोनेटाइज है। मोनेटाइज तो है, लेकिन वो उस वीडियो से पैसा नहीं कमा सकते जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया। पैसा किसके पास जाएगा? म्यूजिक के ओनर के पास, जिसका आपने म्यूजिक यूज किया होगा। तो कॉपीराइट क्लेम से यही प्रॉब्लम आती थी। लेकिन गाइस, अब उस पैसे को आप जाते हुए बचा सकते हो, यानी कि अगर वो पैसा म्यूजिक के ओनर के पास जा रहा है तो उसको आप बचा सकते हो, उस पैसे को वापस अपने अकाउंट में ला सकते हो। कैसे गाइस? यही आज की अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि यूट्यूब की तरफ से जो नई अपडेट आई है गाइस, तो यही है। अगर इसको सुनोगे गाइस, तो आप कॉपीराइट क्लेम के चक्कर में नहीं पड़ोगे, यानी कि अगर आपकी वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट है क्या। तो देखो गाइस, अपडेट ये आई है कि अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो कॉपीराइट क्लेम आता कब है? जब आप किसी का म्यूजिक यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आपने किसी का म्यूजिक यूज कर लिया, तो मान लो आप टेक वीडियो बना रहे हो या फिर कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हो, आपने कहीं से भी यूट्यूब से बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करा और अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में उसको चला दिया, तो उससे होता क्या है, अगर वो नो कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। या अगर आपने नो कॉपीराइट भी यूट्यूब से डाउनलोड करा है ना, तो कभी कभी चांस ऐसा भी होता है कि उस पर भी भाई कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना भाई, वीडियो जाती बेकार। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, मतलब जो अपडेट आई है अभी, तो अभी ये सभी को रोल आउट कर दिया जाएगा, अभी इस पर काम चल रहा है, लेकिन जब ये रोल आउट कर दिया जाएगा सभी को, तब इसका हम यूज कर पाएंगे। मान लो आपने कोई वीडियो बनाई, आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक है, अब उस म्यूजिक पे आ गया कॉपीराइट क्लेम, हम लोग क्या करते ना, उस डिस्प्यूट करते थे, डिस्प्यूट पे रिक्वेस्ट डालते थे कि ये म्यूजिक मेरा है। अगर वो म्यूजिक सच में नो कॉपीराइट है तो भाई क्लेम हट जाता था। अगर सच में हमने किसी का ऐसे का म्यूजिक यूज करा है जिसके पास उसके राइट्स है, यानी कि कॉपीराइट है, ठीक है, वो म्यूजिक नो कॉपीराइट नहीं था, फिर आपने यूज कर लिया है और आपके वीडियो पे आ गया भाई कॉपीराइट क्लेम, तो हम लोग नहीं हटा पाते थे, ठीक है। फिर उसमें क्या होता था, हम लोग म्यूट करते थे तो भाई पूरे जो वीडियो का साउंड होता था ना, वो सब चला जाता था। मतलब हमारी जो आवाज़ है, जैसे मैं इस टाइम बोल रहा हूँ और मेरे बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक है, तो बिल्कुल म्यूट हो जाता था, वो वीडियो बिल्कुल साइलेंट हो जाती थी। दूसरी चीज़ क्या होती थी, अगर हम म्यूजिक को रिप्लेस करते थे, म्यूजिक रिप्लेस में क्या होता था, पूरी वीडियो में म्यूजिक हो जाता था, जो मैं बोल रहा हूँ वो बंद हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ म्यूजिक पूरी वीडियो में रहेगा। या मान लो कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक यूज कर रहे हो, तो आप म्यूजिक को रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन अगर आप उसमें अपनी वॉइस ओवर कर रहे हो और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हो और आ गया कॉपीराइट क्लेम, तो कुछ नहीं कर सकते थे, या तो म्यूट कर सकते थे या फिर हम म्यूजिक को रिप्लेस कर सकते थे, अदरवाइज हमारी आवाज चली जाती थी। लेकिन गाइस, अब ये अपडेट यही है, तो अपडेट आप सुन लो, जो नया फीचर यही लॉन्च करने वाला है यूट्यूब, अब क्या होगा ना, जहां पे हम डिस्प्यूट करते थे, म्यूट करते थे, वहां पे गाइस जाके हम रिप्लेस कर सकेंगे म्यूजिक को। लेकिन जब हम म्यूजिक को रिप्लेस करेंगे तो हमारी आवाज नहीं जाएगी, म्यूजिक भी चेंज हो जाएगा और हमारी आवाज भी चलती रहेगी। जो मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मान लो मैं बोल रहा हूँ और मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक है, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो क्या होगा, जब मैं म्यूजिक को रिप्लेस करूंगा तो म्यूजिक तो बदल जाएगा लेकिन मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो यही गाइस अपडेट है, काफी कमाल की अपडेट है उन क्रिएटर के लिए जिनको कॉपीराइट क्लेम से काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो आज के बाद उनको ये परेशानी देखने को नहीं मिलेगी जब यूट्यूब इस फीचर को लॉन्च कर देगा। तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल बनाओ, चैनल सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।